मामा, मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो अभी से सिर्फ फैसिलिटीज देने की बात कर रहा, साथ देने की नहीं। इसकी मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सारा बेटा, शुरू में ऐसा ही होता है। क्या शुरू में रिलेशनशिप्स में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती? आपने सोहेल को देखा कैसे हाजरा के आगे पीछे घूमते? हाजरा के बगैर उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वही तो, सोहेल भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं और राय है कि आपको पता शैला क्या कह रही थी? क्या शैला कह रही थी कि सोहेल पहले बिल्कुल रायत की तरह होता था, वो तो अपने इन लॉज के जाने को भी अवॉइड करता था। फिर भी मामा, आई एम वेरी अनश्योर। बीबी जी, रायत भाई की भाभी आई है, आपका पूछ रही है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आती। पता नहीं आज क्या हो रहा है, दिन में शैला आई थी और आप ये हाजरा। देख ले, सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना मामा? मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस रिश्ते के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। एंड आई एम टेलिंग यू, आई नीड सम टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ओके फाइन, लेकिन अभी तो चले ना। कम ऑन। मैं तो परेशान ही हो गई थी, आप उस दिन बेहोश हो गई, फिर आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा के ससुराल वाले आए हुए हैं? ये मां पा रहा है, मेरी दोस्त। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन मुझे नहीं हुई। मेरा मतलब है, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी आपसे मिलने में। माँ पारा, प्लीज आप किचन में जाके किसी से कहिए कि चाय ले आए। जी जी बिल्कुल, किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना के ले आती हूँ। ये एक्चुअली हमारी अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। लेकिन इस वक्त सब खैरियत है ना? मैं तो बस तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं तुमसे अब तक ठीक से मिली ही नहीं। आप जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन हाजरा, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। कौन सी बात का? कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ओह, तो मम्मी जी ने आपको भी बता दिया? जी, बल्कि अब अपनी रेगुलर मेडिसिन भी आप ध्यान से लीजिएगा। बल्कि आपका ट्रीटमेंट तो मिसकैरेज की वजह से चल रहा था, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन, तो आप ट्रीटमेंट रोक सकती हैं। नहीं बेटे, कोई भी एकदम से इस तरह खुद ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता। ट्रीटमेंट रोकने से पहले या ये फैसला करने से पहले अपनी साइकाइट्रिस्ट से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट से? जी, अगर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट रोका जाए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी में भी शिद्दत पैदा हो सकती है। एंजाइटी अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपसे मम्मी जी ने कहा है? जी, लेकिन हाजरा, ये मशवरा मैं आपको उनके कहने पे नहीं दे रही। एक्चुअली मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि एकदम ट्रीटमेंट रोकने से पेशेंट की हालत बेहतर नहीं होती, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बदतर हो जाती है। लेकिन मुझे कोई जहनी मर्ज नहीं है। नहीं खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जहनी मरीज हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप प्लीज
अपनी सैडनेस का ट्रीटमेंट मत रोकिएगा। लेकिन मेरा सैडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। ज़हनी मरीज उनका अपना बेटा है, एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझते, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। मतलब सुहेल? जी नहीं, राइट। व्हाट? मम्मी जी ने आप लोगों को बताया ना, वो घर की मुलाजमा के साथ इश्क लड़ा रहा था और वो मुलाजमा किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई और बेचारे राइत का दिल टूट गया। हाजरा देखिए प्लीज, आप पूरी बात बताइए। I'm sorry. Excuse me. हाजरा, हाजरा रुके। मम्मा ये क्या कह रही थी? I'll find out.